हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल होली फैक्ट्स में। और आज हम इस वीडियो में आपको समुद्र मंथन के बारे में और इसमें प्राप्त हुए 14 रत्नों के बारे में बताने जा रहे हैं, और ये भी बताएंगे कि ये 14 रत्न किस किस के भाग्य में आए थे। एक बार इंद्र ने दुर्वासा ऋषि का अपमान किया था, जिसके कारण उन्होंने इंद्र को श्राप दिया था कि उनके पास जो भी अमूल वस्तुएं हैं वे सब गायब हो जाएंगी, जिसके कारण स्वर्ग सारी अमूल वस्तुओं से विहीन हो गया। तो सभी देवगण और राजा इंद्र भगवान विष्णु के पास गए। तो भगवान विष्णु ने इसका निवारण बताते हुए उनसे कहा कि जो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया है उसे वापस तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन कुछ दिव्य रत्नों से हम स्वर्ग को फिर से सुसज्जित कर सकते हैं, जिसके लिए हमें समुद्र मंथन करना पड़ेगा। और इस समुद्र मंथन को संपन्न करने के लिए हमें राक्षसों की भी मदद लेनी पड़ेगी। जब दैत्यों को पता चला कि समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा जिसे पीकर सभी अमर हो जाएंगे, तो वो इस समुद्र मंथन करने के लिए राजी हो गए। समुद्र मंथन क्षीर सागर में हुआ था, जिसे आज हम हिंद महासागर कहते हैं। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को समुद्र में डाला गया, लेकिन वे डूबने लगा तो भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण करके पर्वत का आधार बन गए और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर एक तरफ से देवता और दूसरी तरफ से राक्षसों ने मंथन करना शुरू कर दिया, और इस समुद्र मंथन से 14 रत्न प्राप्त हुए। समुद्र मंथन में सबसे पहले प्राप्त हुआ हलाहल विष, जिसे कालकूट विष भी कहा जाता है। इस विष की ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि सभी देवी देवता और राक्षस इससे जलने लगे। तब भगवान शिव वहां प्रकट हुए और इस हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया, और इस विष को पीने के कारण भगवान शिव का नाम नीलकंठ भी पड़ा। विष पीते समय इसकी कुछ बूंदे धरती पर गिरी थी, जिसके कारण सांप, बिच्छू और कई जहरीले कीड़े उत्पन्न हुए, जो आज भी पृथ्वी पे मौजूद हैं। समुद्र मंथन में दूसरा रत्न प्राप्त हुआ कामधेनु गाय। गाय को हिंदू धर्म में पवित्र और शुद्ध माना जाता है। यहाँ पे लोग इसे माता के रूप में भी पूजते हैं, और ये गाय कोई साधारण गाय नहीं थी, बल्कि ये एक कामधेनु गाय थी जो हमें सभी चीजें उपलब्ध कराती है, अर्थात ये गाय सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती थी। कामधेनु गाय को ब्रह्मवादी ऋषियों ने ग्रहण किया। समुद्र मंथन से तीसरा रत्न प्राप्त हुआ उच्च शवा घोड़ा। इस घोड़े को सभी घोड़ों का राजा माना जाता था। ये घोड़ा श्वेत रंग का था और ये सबसे तेज उड़ने वाला घोड़ा है। इस घोड़े के दो पंख भी थे और ये अमृत पान करता था, अर्थात अमृत से ही जीवित रहता था। ये घोड़ा इंद्र को प्राप्त हुआ। चौथा रत्न था ऐरावत हाथी। इसका रंग सफेद था और इसके चांद चमकीले दांत थे, जो कि कैलाश पर्वत से भी ज्यादा चमकदार था। बंटवारे में ये हाथी राजा इंद्र को प्राप्त हुआ। मंथन के दौरान पांचवा रत्न प्राप्त हुआ कौस्तुक मणि। कौस्तुक मणि को भगवान विष्णु धारण करते हैं। महाभारत में उल्लेख है कि काली नाग को श्री कृष्ण ने गरुण के वेग से बचाया था, जिसके कारण काली नाग ने मस्तक पर से उतार कर ये मणि श्री कृष्ण को दी थी। ये एक चमत्कारिक मणि है। ये इच्छाधारी नागों के पास भी पाई जाती है। समुद्र मंथन में छठा रत्न था कल्पवृक्ष, जो कि सभी देवताओं को प्राप्त हुआ था। सभी देवताओं ने मिलकर इसे स्वर्ग में स्थापित किया था। इसकी खासियत थी कि ये सभी इच्छाओं को पूरी करता था। सातवें रत्न थी रंभा अप्सरा। रंभा अप्सरा अत्यंत सुंदर थी और सुंदर वेशभूषणों से सजी हुई थी। ये अप्सरा देवताओं को ही प्राप्त हुई और इसे स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ। समुद्र मंथन से आठवां तत्व निकला था श्री लक्ष्मी, जिनका विवाह भगवान विष्णु से हुआ और वो आज भी क्षीर सागर में भगवान विष्णु के साथ विराजमान रहती हैं। नवा तत्व था वारुणी। वारुणी एक मदिरा थी जिसका स्वाद अत्यंत ही अलौकिक था। ये वारुणी मदिरा राक्षसों को प्राप्त हुई। समुद्र मंथन में दसवें क्रम में निकले थे चंद्रमा, जिसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया था। समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ ग्यारहवां तत्व पारिजात वृक्ष। पारिजात वृक्ष की एक विशेषता थी कि इसे छूने से शरीर की सारी थकान मिट जाती थी। पारिजात वृक्ष को भी देवताओं ने अपने पास रखा। समुद्र मंथन से बारहवां रत्न निकला था पांचजन्य शंख। इसे भगवान विष्णु ने ग्रहण किया। शंख विजय, सुख, शांति और संपत्ति का प्रतीक माना जाता है। हमारे पुराणों में शंख की ध्वनि को बहुत ही शुभ माना जाता है, और ये भी माना जाता है कि इस शंख की ध्वनि इतनी तीव्र होती है कि ये सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट कर देती है। समुद्र मंथन के तेरहवें क्रम में निकले थे भगवान धन्वंतरी, जो कि अपने हाथ में अमृत को धारण किए हुए थे। भगवान धन्वंतरी निरोगी मन और तन के प्रतीक हैं। और 14 रत्न था अमृत, जिसे भगवान धन्वंतरी लेके प्रकट हुए थे। इस अमृत को जो भी पिएगा वे सभी अमर हो जाएंगे। जब समुद्र से अमृत निकला था तो देवराज इंद्र के आदेश पर इंद्र के पुत्र जयंत ने यह अमृत लेके वहां से भाग गए थे, जिसके पीछे कई असुर लोग भी भागे। और उसके बाद 14 दिनों तक अमृत के लिए देवताओं और असुरों में संघर्ष चलता रहा। इस संघर्ष के बीच कल
कलश से चार बूंदे छलक कर हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक पर ये चार बूंदे गिरी थी। इसीलिए इन चारों स्थानों को अति पवित्र स्थान माना जाता है। और अंत में भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके ये सारा अमृत देवताओं को पिलाकर उन्हें अमर कर दिया था। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।